बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की जो रेमेडी है एक बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ब्राउन तिल और मसों के मुतालिक है। ब्राउन तिल और मसे एक हद तक हों तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो हद से बढ़ जाते हैं तो बहुत बदनुमा और बुरे फील होते हैं। और आज मैं उनको जो है आपको जड़ से जो आहिस्ता आहिस्ता जो है जड़ से उखाड़ने और जड़ से ख़त्म करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से जो है आप इनको ख़त्म कर सकते। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यूट्यूब पे नहीं, मेरी हो सब्सक्राइब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए है, सबसे पहले हमें चाहिए टूथपेस्ट। आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले लें, लेकिन कोशिश करें कि वो वाइट कलर का हो, उसके अंदर कोई कलर केमिकल ना हो। गोलगेट ले लें या कोई भी ले लें। और आपने जो है थोड़ी सी लेनी है, बिल्कुल आप देख लें कि बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ स्पून से भी थोड़ा कम आपको जो है यहाँ पे पेस्ट चाहिए है। और जो टूथपेस्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है काम करेगी आहिस्ता आहिस्ता हमारे तिल और मसों को जड़ से ख़त्म करने में। दूसरा जो है मेरे पास है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल एक बहुत ही ज़बरदस्त अंडी का तेल ऑयल है। ये जो है हमारे तिलों और मसों को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से आहिस्ता आहिस्ता से जो है जड़ से बिल्कुल ख़त्म करने में बहुत ही मदद देगा। और ये आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर, किसी भी जो है शॉप से मिल जाएगा ईजिली। और इसके बाद आपने ये 1 स्पून डालना है। और नेक्स्ट और थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है। और ये भी हमारे जो है तिल और मसों को जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है जड़ से बिल्कुल जो है ख़त्म करने में बहुत मदद देगा। आपने जो है हाफ स्पून ही डालना है जस्ट। और आप ये देख, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये हमारे जो है बिल्कुल आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके जो है तिल और मसे जो है ब्राउन तिल और ब्लैक तिल जो है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ का तो इस तरह होता है कि ये तिल और मसे ऐसी जगह पे होते हैं जैसे हमारी गर्दन वगैरह पे, जिसको हम ढक भी नहीं सकते और बहुत बुरे फील होते हैं। आप देखेंगे कि आपने इसको जो है हफ्ते 2 से 3 मिनट तक इस तरह बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसको लगाने का तरीका ये है कि जहाँ पर जो है आपके तिल हैं मसे हैं आपने जस्ट वहीं पर लगाना है। और उसके बाद जो है आपने इसको जो है हफ्ते में तीन दिन आप इसको इस्तेमाल करें 3 मरतबा। और इसके बाद जो है 15 मिनट तक इसको लगा रहने दें। और उसके बाद जो है वॉश कर लें। आपने क्या करना है, इस तरह से कोई भी कॉटन बड ले लें और जहाँ पे आपके जो है तिल हैं मसे हैं आपने जो है उसी जगह पर जैसे इसको लगाना है। इस तरह से इसको लगाना है, उतना लगा लें। और फिर जहाँ दूसरी जगह पे आपने लगाना है वहाँ पर लगा लें। और उसके बाद आपके पास अगर पॉलीथीन रैपर है वो लगा लें, अगर मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो इस तरह या आप टिश्यू से भी इसको जो है ढक सकते हैं। इस तरह से आपने इसको 15 मिनट तक लगा छोड़ देना है। और उसके बाद जो है आपने जो है वॉश कर लेना है। आपको अगर मेरी ये रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको मतलब है ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये है और तिल और मसों को ख़त्म करने के लिए। और आप इसको, इससे आपको ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड